साथियों, आज के स्टॉक में हम स्ट्रीट लाइट के बारे में बताएंगे कि यह कितनी पावर की है और इसमें क्या क्या क्वालिटीज हैं, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र, आप देख रहे हैं हिल लाइट्स इंटरप्राइजेस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, ये आपके सामने ये स्ट्रीट लाइट दिख रही होगी, ये पूरी मेटल में है। तो आप देख सकते हैं इसके पीछे से एयर डक्ट बने हुए हैं ताकि ये सेफ रहे, इसमें कूलिंग आसानी से हो पाए। क्योंकि जब हमारी स्ट्रीट लाइट ग्लो करती है, जलती है, तो ये बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करती है, जिसकी वजह से हमारी जो एलईडी असेंबली है वो ख़राब हो जाती हैं। इसके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ एयर डक्ट बने रहते हैं और इसको हीट सिंक कहा जाता है। वो ये एयर के थ्रू ऑटोमेटिक कूल होता रहता है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पीछे जो बड़ा बॉक्स है, इसके पीछे ड्राइवर लगा हुआ है जिसको कंट्रोल करता है। इसमें ओवर वोल्ट और लो वोल्टेज प्रोटेक्शन भी देता है, ठीक है। तो ये स्ट्रीट लाइट 30 वॉट, ये लगभग 3200 ल्यूमेन की रोशनी देगी। यह घर के नॉर्मल वोल्टेज में अप्लाई होती है। इसको इंस्टॉल करना बहुत इजी है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे इसको रन किया जाता है। दोस्तों, इसको इंस्टॉल करना बहुत ही इजी है। इसके पीछे आपको ये तीन तार दिख रहे होंगे, ये दो तार आपके फेज और न्यूट्रल का है और ये आपका अर्थिंग का है, ठीक है। ये अर्थिंग का लगाना जरूरी है क्योंकि अगर आप इसको कहीं पे माउंट करते हैं, किसी भी मेटल बॉडी पे या कहीं भी, तो इससे क्या होता है कि कभी कभी अगर ये शॉर्ट हो जाता है, इसकी बॉडी शॉर्ट हो जाती है आपकी सप्लाई के साथ, तो इसमें आपको करंट लगने का डर ना रहे, इसलिए आपको अर्थिंग करना ज़रूरी है, ठीक है। आपका जो थ्री टॉप प्लग होता है उसमें टॉप जो अर्थिंग वाला पॉइंट होता है वही आप इसमें यूज़ कीजिएगा, और बाकी जो एक्सटेंशन आप यूज़ करेंगे इसमें, इसको बढ़ाने के लिए आप यहाँ पे एक वायर यूज़ करेंगे। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 1 mm से ऊपर की वायर ही लीजिएगा, बिकॉज इससे आपकी लाइट अच्छे से ग्लो होगी और इसमें हीटिंग का इशू नहीं होगा, ठीक है। तो अच्छी वायर आप यूज़ करिए, और ये लाइन और न्यूट्रल का है तो आप इन दोनों में फेज न्यूट्रल कनेक्ट करके अपना थ्री टॉप प्लग जो होता है उसको यूज़ कीजिए हमेशा इस लाइट के लिए, ठीक है। आप इसको कहीं भी इंडोर आउटडोर भी लगा सकते हैं, मोस्टली इसको आउटडोर में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप सही से इसका इंस्टॉलमेंट करते हैं तो ये स्ट्रीट लाइट आपकी सालों साल चलेगी, इसमें कोई फॉल्ट नहीं होगा, ठीक है। और जहाँ पे आपको माउंट करना है तो आपको ये नट दिख रहे होंगे, आपको इसको अनलॉक करना है। उसके बाद आपको ये जो हुक है इसको निकालना है, और आपको जहाँ पे माउंट करना है वहाँ पे माउंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप इसको ओपन मत कीजिएगा क्योंकि इसके अंदर ड्राइवर लगा हुआ है, अगर ड्राइवर में किसी भी प्रकार का फॉल्ट होता है तो आपकी एलईडी आपका स्ट्रीट लाइट चलेगा नहीं और ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको आपको चेक करके बताता हूँ किस तरीके से ग्लो करती हैं। तो मेरे पास एक पावर सप्लाई है यहाँ से, ठीक है। तो ये दो आपको नोब दिख रही होंगी, ये वाली, इसमें आपको फेज न्यूट्रल कनेक्ट करना है। तो अभी मैं ऐसे ही कनेक्ट करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, आपको भी उस सेफ तरीके से करना है ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो पाए। जैसे ये सही से कनेक्ट हो जाएगा, ये देखिए, ये आपकी अच्छे से ग्लो हो गई है। अब ये ब्लिंक इसलिए कर रहा है कि कैमरा का शटर स्पीड इससे मैच हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये ग्लो करेगी। अभी आप आउटडोर में इसको यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छी लाइट देने वाली है, 3200 ल्यूमन की इसकी लाइट है, तो इसमें आपको लाइट का कोई इश्यू नहीं होने वाला है, 30 वॉट की है। तो अगर आपको ख़रीदनी है तो आप हमारी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं, आपको होम डिलीवरी कर दी जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।